नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। पूर्व कक्षा में हमने पर्यायवाची शब्द पढ़े थे, आज हम विलोम शब्द पढ़ने जा रहे हैं। जो शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं वे विलोम शब्द कहलाते हैं। जो शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं वे विलोम शब्द कहलाते हैं। चलिए वही अपना जो नियम है, एक शब्द का कम से कम 10 बार दोहरान करना है। अनाथ सनातः, अनाथ सनातः, अनाथ सनातः, अनाथ सनातः, अनाथ सनातः, अनाथ सनातः, अनाथ सनातः। नवीनतम पुरातनम, नवीनतम पुरातनम, नवीनतम पुरातनम, नवीनतम पुरातनम, नवीनतम पुरातनम। दोनों तरफ से याद होना चाहिए, पुरातनम नवीनतम, नवीनतम पुरातनम, सनातः अनाथः, अनाथः सनातः। आदि ही अंतः, 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 अंतः आदि ही, 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 आदि ही अंतः, आदि ही अंतः, अंतः आदि ही। इच्छा अनिच्छा, इच्छा अनिच्छा, इच्छा अनिच्छा, इच्छा अनिच्छा, अनिच्छा इच्छा, अनिच्छा इच्छा, इच्छा अनिच्छा, इच्छा अनिच्छा, इच्छा अनिच्छा, अनिच्छा इच्छा, अनिच्छा इच्छा। क्या मैडम इच्छा अनिच्छा कर रहे हो? बच्चा बहुत जरूरी है ये, वही बात हम जो पर्यायवाची में बोल चुके हैं कक्षा में, याद मतलब समझ लो कि आपको 8, 9, 10 तीनों के लिए हमने आज ही प्रिपेयर कर दिया। तो अगर आपको आज ही प्रिपेयर होना है तीनों क्लासों के लिए तो आज जैसे हम रटा रहे हैं रट लो। पहले तो आज तो थोड़ा सा रट लो और उसके बाद में फिर उसको मतलब इतने ईजी वे में याद करो कि जैसे कोई गाना याद हो जाता है। यहाँ बैठा लेना कि कभी नहीं भूल पाओगे। जैसे गाने आप एक बार में सुनते हो, एक बार में याद हो जाते हैं, वैसे इन विलोम शब्दों को आज बड़े प्यार से सुनिए, दिलचस्पी से सुनिए कि 3 सालों तक के लिए तो आप भूले ना भूले। ठीक है। उत्कर्ष अपकर्ष, उत्कर्ष अपकर्ष, उत्कर्ष अपकर्ष, उत्कर्ष अपकर्ष, उत्कर्ष अपकर्ष, अपकर्ष उत्कर्ष, अपकर्ष उत्कर्ष, अपकर्ष उत्कर्ष, अपकर्ष उत्कर्ष। उष्ण शीत, उष्ण शीत, उष्ण शीत, उष्ण शीत, शीत उष्ण, शीत उष्ण, शीत उष्ण, शीत उष्ण, उष्ण शीत, उष्ण शीत, उष्ण शीत, शीत उष्ण, शीत उष्ण, शीत उष्ण। हर्ष विषाद, हर्ष विषाद, हर्ष विषाद, हर्ष विषाद, विषाद हर्ष, हर्ष यानी तो है खुश होना और विषाद है यानी दुख होना। अच्छा एक ही शब्द का अर्थ नहीं बताया, एक बार हम वापस बता देते हैं। अनाथ यानी जिसका कोई नहीं होता, सनात यानी जिसके बहुत सारे लोग होते हैं, नवीनतम यानी नया, पुरातनम यानी पुराना, आदि ही यानी प्रारंभ, अंत यानी समाप्त, इच्छा यानी इच्छा करना, अनिच्छा यानी हमारी किसी चीज को लेकर इच्छा नहीं होना, उत्कर्ष आगे की ओर बढ़ना, अपकर्ष नीचे की ओर आना, उष्ण गर्मी, शीत सर्दी, हर्ष है खुश होना और विषाद दुखी होना। तो बोलिए हर्ष विषाद, हर्ष विषाद,
विषादः हर्षः, विषादः हर्षः, विषादः हर्षः, हर्षः विषादः, हर्षः विषादः। कृतज्ञः, कृतज्ञ यानी आपने किसी के प्रति जो उपकार किया है उसको मान लेना, ठीक है। और कृतज्ञ यानी आप पर किसी ने मतलब उपकार किया, आप पर किसी ने भला किया, हित किया, और आप उसको नहीं मानते। जैसे गुरु आपको पढ़ा रहा है, ठीक है, गुरु आपको पढ़ा रहा है, आप आगे चलना सक्सेस हो जाते हो, और सक्सेस में यदि आप अपने गुरुओं का नाम नहीं लेते हो तो आप कृतज्ञ हो जाएंगे। कृतज्ञ जैसे ही आप देखते होंगे मंच पे यदि कोई जाता है, किसी को पुरस्कार मिलता है, तो सबसे पहले अपने माता पिता, उसके बाद में अपने गुरु को, गुरु के प्रति सम्मान प्रकट करता है, उन्हें आदर देता है, कहता है कि जो मैं आज जो भी हूँ वो अपने गुरुओं के कारण। और ये सत्य है, हम जो मैं आज आपके सामने खड़ी हूँ वो अपने गुरु के कारण खड़ी हूँ। हमारे गुरु ने हमें इतना अच्छा पढ़ाया, हमें इतना अच्छा ज्ञान दिया, हमें इतना अच्छी राह दिखाई कि आज मैं आपके सामने खड़ी होकर पढ़ा रही हूँ। तो ये जो मेरी सक्सेस है उसके पीछे मेरे गुरुओं का हाथ है, इसीलिए मैं अपने गुरुओं के प्रति कृतज्ञ हूँ। किंतु जो गुरु ने या हमें किसी ने अच्छा राह दिखाया, किसी ने अच्छा मार्ग दिखाया, और हम उसके साफ साफ शब्दों में बोलूं तो उसके एहसान को नहीं माने, तो हम कृतज्ञ व्यक्ति हैं। उसके किए गए उपकार को यदि हम नहीं मानते हैं तो हम कृतज्ञ हैं। हमारे माता पिता हमें पढ़ा लिखा कर बड़ा करते हैं और हम उन्हें छोड़ के चले जाते हैं, या हम उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं, तो हम उनके कृतज्ञ हो गए, हम उनके किए गए उपकारों को भूल गए, अर्थात हम कृतज्ञ हो गए। और हम इस चीज को याद रखें कि हमारे माता पिता ने हमें बहुत मेहनत से पाल पोष के बड़ा किया है। इस चीज को ध्यान में रखकर हम अपने माता पिता की सेवा करें, उनका कहना माने, तो हम उनके प्रति कृतज्ञ हैं। समझ गए? चलिए, कृतज्ञ कृतज्ञ, कृतज्ञ कृतज्ञ, कृतज्ञ कृतज्ञ। देखो, कृत यानी किए हुए, ज्ञ यानी जानने वाले, किए हुए को जानने वाला, कृतज्ञ कृतज्ञ। खंडनम मंडनम, खंडनम मंडनम, खंडनम मंडनम। गुण दोष, गुण दोष, गुण दोष, गुण दोष, गुण दोष। जय पराजय, जय यानी तो जीतना, पराजय यानी हार जाना। जय पराजय, जय पराजय, जय पराजय। मंद यानी धीमी गति से चलने वाला, तीव्र यानी जल्दी से चलने वाला, मंद यानी धीरे से चलने वाला, तीव्र यानी जल्दी से चलने वाला। तो मंद तीव्र, मंद तीव्र, मंद तीव्र, मंद तीव्र। अनाथ सनातः, सनातः अनाथः। नवीनतम पुरातनम, पुरातनम नवीनतम। आदि ही अंतः, अंतः आदि ही। इच्छा अनिच्छा, अनिच्छा इच्छा। उत्कर्षः अपकर्षः, अपकर्षः उत्कर्षः। उष्णः शीतः, शीतः उष्णः। हर्षः विषादः, विषादः हर्षः। कृतज्ञ कृतज्ञ, कृतज्ञ कृतज्ञ, कृतज्ञ कृतज्ञ। खंडनम मंडनम, खंडनम मंडनम, मंडनम खंडनम। गुण दोष, दोष गुण। जय पराजय, पराजय जय। मंद तीव्र, तीव्र मंद। उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण, उत्तीर्ण यानी पास होना, अनुत्तीर्ण यानी फेल हो जाना। उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण उत्तीर्ण। आरोह यानी ऊपर की ओर जाना, अवरोह यानी नीचे की ओर आना। आरोह अवरोह, आरोह अवरोह, आरोह अवरोह, आरोह अवरोह, आरोह अवरोह।
आस्तिक नास्तिक, आस्तिक यानी जो वेदों को मानता है, नास्तिक यानी जो वेदों को नहीं मानता है। जो परिभाषा देते हैं ना, जो भगवान जी को मानता है आस्तिक, जो भगवान जी को नहीं मानता है नास्तिक, ये परिभाषा पूर्ण नहीं है। ये नहीं कहेंगे परिभाषा गलत है, लेकिन पूर्ण नहीं है। आस्तिक का तात्पर्य होता है, हमारे जो ग्रंथों में लिखा हुआ है, वेद निंदक नास्तिक, जो वेदों की निंदा करता है वो नास्तिक है, जो वेदों में लिखे हुए को नहीं मानता है वो नास्तिक है। वेद निंदक नास्तिक, अर्थात जो वेदों को नहीं मानता है वह नास्तिक कहलाता है, ठीक है। आस्तिक नास्तिक है, और जो वेदों में ही हमारे भगवान का पूजा पाठ इत्यादि का वर्णन किया गया है, इसीलिए हमने उसकी छोटी सी परिभाषा दे दी कि जो भगवान को मानता है वो आस्तिक, जो नहीं मानता है वो नास्तिक। जबकि पूर्ण रूप से पूरी परिभाषा यह है कि जो वेदों को मानता है, वेद के पढ़े लिखे हुए, मतलब जो वेदों में लिखे हुए हैं उनको स्वीकार करता है, उनको मानता है, उनके अनुसार अपना जीवन यापन करता है वो आस्तिक। जो वेदों में लिखा हुआ है उसको नहीं मानता, उसके अनुसार अपना जीवन यापन नहीं करता, वेदों में लिखे हुए को विश्वास नहीं करता, वो नास्तिक कहलाता है। वेद निंदक नास्तिक, आस्तिक नास्तिक, आस्तिक नास्तिक, आस्तिक नास्तिक। उपकार अपकार, उपकार उपकार यानी तो वही जो कृतज्ञ हो गया, किसी के किए हुए को मानना उपकार, और जो किसी के किए हुए को नहीं मानता वो अपकार। उपकार अपकार, उपकार अपकार। उत्साह आलस्य, उत्साह यानी तो एनर्जी, आलस्य यानी आप जानते हैं उत्साह यानी एनर्जी। उत्साह आलस्य, उत्साह आलस्य, उत्साह आलस्य। उत्थानम ऊपर की ओर उठना, पतनम नीचे की ओर जाना, ठीक है ना। उत्थानम यानी ऊपर की ओर जाना, पतनम यानी नीचे की ओर जाना। कोई व्यक्ति बहुत मेहनत करता है, पढ़ता लिखता है, आरएस बनता है, वह उसका उत्थान है, लेकिन आरएस बनने के बाद उसमें उसने भ्रष्टाचार किया, उसको नौकरी से हटा दिया, उसका पतन हो गया। पहले वो ऊपर चढ़ा, आरएस बना, भ्रष्टाचार करने पर वो सस्पेंड हो गया और उसका पतन हो गया। पहले ऊपर गया और अब नीचे आ गया। उत्थानम उत्थान होना, पतनम पतनम, उत्थानम पतनम पतनम उत्थानम, उत्थानम पतनम पतनम उत्थान। कृपण कंजूस, उदार है उदार, कृपण उदार उदार, कृपण कृपण उदार उदार, कृपण। खल दुर्जन व्यक्ति, साधु सज्जन व्यक्ति, खल यानी दुर्जन, साधु यानी सज्जन। खल साधु, खल साधु, साधु खल साधु, खल खल साधु, साधु खल। विषम अमृतम, विषम अमृतम, विषम यानी तो जहर जानते ही हैं, और अमृत यानी मीठा, ठीक है। विषम अमृतम, विषम अमृतम, विषम अमृतम, विषम अमृतम। जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, मृत्यु जन्म, मृत्यु जन्म, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, मृत्यु जन्म। मूर्खः पंडितः, मूर्खः पंडित, पंडित यानी विद्वान। मूर्खः पंडितः, मूर्खः पंडितः, पंडितः मूर्खः, पंडितः मूर्खः। योगी भोगी, योगी यानी जो आप जानते हैं सारे जो भी जीवन को छोड़ छोड़ा के, मतलब ये आप जिसे बोल सकते हो कि सारे संसार के मोह को छोड़ के छोड़ देता है वो व्यक्ति योगी, और जो संसार के मोह को अपनाए रहता है वो भोगी। भोगी यानी उसका भोग करना, संसार में जो भी मोह है उनको अपनाए रखना वो भोगी कहलाता है, और जो संसार के मोह को छोड़ दे वो योगी कहलाता है। योगी भोगी, भोगी योगी, योगी भोगी, भोगी योगी। चलिए एक एक बार सबका दो बार रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से। अनाथ सनातः, सनातः अनाथ। नवीनतम पुरातनम, पुरातनम नवीनतम। आदि ही अंतः, अंतः आदि। इच्छा अनिच्छा, अनिच्छा इच्छा। उत्कर्षः अपकर्षः, अपकर्षः उत्कर्षः। उष्णः शीतः, शीतः उष्णः। हर्षः विषादः, विषादः हर्षः। कृतज्ञः कृतज्ञ, कृतज्ञ कृतज्ञः। खण्डनं मण्डनं, मण्डनं खण्डनं। गुणः दोषः, दोषः गुणः। जयः पराजयः, पराजयः
जयः। मन्दः तीव्रः, तीव्रः मन्दः। उत्तीर्णः अनुत्तीर्णः, अनुत्तीर्णः उत्तीर्णः। आरोहः अवरोहः, अवरोहः आरोहः। आस्तिकः नास्तिकः, नास्तिकः आस्तिकः। उपकारः अपकारः, अपकारः उपकारः। उत्साह आलस्यम्, आलस्यम् उत्साह। उत्साह आलस्यम्, आलस्यम् उत्साह। उत्थानम् पतनम्, उत्थानम् पतनम्, पतनम् उत्थानम्। कृपणः उदारः, कृपणः उदारः, उदारः कृपणः। खलः साधुः, साधुः खलः, खलः साधुः, साधुः खलः। विषम् अमृतम्, विषम् अमृतम्, अमृतम् विषम्, अमृतम् विषम्। मूर्खः पण्डितः, मूर्खः पण्डितः, पण्डितः मूर्खः। योगी भोगी, भोगी योगी। जीवनं मरणं, जीवनं मरणं, मरणं जीवनं। तमः प्रकाशः, प्रकाशः तमः। धीरः अधीरः, अधीरः धीरः। निर्भीकः भीरुः, भीरुः निर्भीकः। आत्मीयः परकीयः, परकीयः आत्मीयः। निजः परः, परः निजः। साकारः निराकारः, निराकारः साकारः। सबलः निर्बलः, निर्बलः सबलः। क्षम्यताम्, एक एक अर्थ बताना भूल गए पहले। जीवनम यानी जीना, मरणम यानी मरना, ठीक है ना। तमः यानी अंधकार, तमः यानी अंधकार। प्रकाश है यानी उजाला, तमः यानी अंधकार और प्रकाश है यानी उजाला। तो तमः प्रकाश है, तमः प्रकाश है, प्रकाश है तमः, प्रकाश है तमः। धीर यानी धैर्यवान, अधीर यानी जो बहुत जल्दी डर जाता है, ठीक है ना, जो बहुत जल्दी अपनी धैर्य को खो देता है। तो धीरः अधीरः, अधीरः धीरः, धीरः अधीरः और अधीरः धीरः, धीरः अधीरः, अधीरः धीरः। निर्भीकः जो डरता नहीं है, निर्भीकः जो डरता नहीं है और भीरु जो डर जाता है, निर्भीकः जो डरता नहीं है और भीरु जो डर जाता है। तो निर्भीकः भीरु, भीरु निर्भीकः, निर्भीकः भीरु, भीरु आत्मीयः परकीयः। आत्मीय यानी अपने लिए, परकीय यानी दूसरे के लिए। आत्मीयः परकीयः, परकीयः आत्मीयः, आत्मीयः परकीयः, परकीयः आत्मीयः। निज यानी अपना, पर यानी दूसरों का। निजः परः, परः निजः, निजः परः, परः निजः। साकार किसी कार्य को पूर्ण कर देना, संपूर्ण कर देना। साकार है निराकार है, जो कार्य पूरा नहीं होता, जिसका कोई आकार नहीं होता। साकार है निराकार है, निराकार है साकार है। सबलम जिसमें बल होता है, सबल जिसमें बल होता है, निर्बल जिसमें बल नहीं होता है, निर्बल जिसमें बल नहीं होता है, ठीक है। सबल निर्बल, निर्बल सबल। संतोष खुश हो जाना, ठीक है ना, मतलब संतुष्ट हो जाना यानी उस चीज से संतोष कर लेना, खुश हो जाना, ठीक है ना। लोभ संतुष्ट नहीं होना, लालच करना, यानी एक पेंसिल यदि किसी ने दे दी तो एक पेंसिल में खुश हो जाना, ठीक है मुझे एक पेंसिल मिल गई, वो कहलाया संतोष। एक पेंसिल मिली मुझे तो दो मिलनी चाहिए थी, ये कहलाता है लोभ। संतोष लोभ, लोभ संतोष। संहार सृष्टि, संहार यानी तो नष्ट कर देना, सृष्टि यानी बनाना, ठीक है। संहार यानी तो उसको समाप्त कर देना, सृष्टि यानी बनाना। निरोग जिसमें कोई रोग नहीं है, रुग्ण है जो रोगी व्यक्ति है। निरोग रुग्ण, रुग्ण निरोग, निरोग रुग्ण, रुग्ण निरोग। विधवा जिसके पति चले जाते हैं वो विधवा, सद्वा जिसके पति रहते हैं, विधवा सद्वा, सद्वा विधवा। सरस जिसमें रस होता है, सरस जिसमें रस होता है वो सरस, निरस जिसमें रस नहीं होता, सरसः नीरसः, नीरसः सरसः। सत्यम असत्यम, असत्यम सत्यम, सत्यम असत्यम यानी झूठ, असत्यम सत्यम यानी असत्यम, और असत्यम का सत्यम, सत्यम का उल्टा झूठ और झूठ का उल्टा सत्यम।
पति पत्नी, पति पत्नी, पति पत्नी। धनी का धनवान, निर्धन निर्धन, जो गरीब। धनी का निर्धन, धनी का निर्धन, निर्धन धनी का, निर्धन धनी का। निंदा स्तुति, निंदा यानी तो किसी की बुराई करना, स्तुति यानी किसी की प्रशंसा करना। निंदा स्तुति ही, स्तुति ही निंदा, निंदा स्तुति ही, स्तुति ही निंदा। निद्रा नींद में होना, जागरणम जागना, निद्रा जागरणम जागरणम निद्रा, निद्रा जागरणम जागरणम निद्रा, निद्रा जागरणम जागरणम निद्रा। निर्माणम निर्माण करना, नई चीज बनाना, विनाशम यानी उसको समाप्त कर देना। निर्माणम विनाशम, विनाशम निर्माणम। प्रत्यक्षम परोक्षम, प्रत्यक्ष यानी आंखों के सामने दिखाई देना, परोक्ष जो दिखाई नहीं देता, प्रत्यक्ष यानी जो सामने दिखाई देता है, परोक्ष जो दिखाई नहीं देता, मतलब आंखों से जो ओझल हो। कार्य तो हो रहा है लेकिन आंखों से ओझल हो, जैसे प्रधानमंत्री जी अभी मेरी आंखों से परोक्ष दिखाई नहीं दे रहे, प्रत्यक्ष आपके सामने मैं आपको दिखाई दे रही हूँ, मैं आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रही हूँ, लेकिन मुझे प्रधानमंत्री जी दिखाई नहीं दे रहे। प्रधानमंत्री जी है किंतु दिखाई नहीं दे रहे, तो वो कहलाएंगे परोक्ष। प्रत्यक्षम परोक्षम, प्रत्यक्षम परोक्ष। बंधनम मोक्ष, बंधन यानी तो बांध लेना, मोक्ष यानी छूट जाना। बंधन मोक्ष, बंधन मोक्ष। सांसारिक मोह माया से बंधे भी रहते हैं तब तक यहाँ रहते हैं, जब इन सांसारिक मोह माया से छोड़ देते हैं तब भगवान जी के पास चले जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, यानी सारे बंधनों से छुट्टी मिल गई। बलिष्ठ बलवान, निर्बल कमजोर व्यक्ति। बलिष्ठ बलवान, निर्बल कमजोर व्यक्ति। तो बलिष्ठ निर्बल, निर्बल बलिष्ठ, बलिष्ठ निर्बल, निर्बल बलिष्ठ। मित्रम शत्रु, मित्रम शत्रु, शत्रु मित्रम। लघु यानी छोटा, गुरु यानी बड़ा। लघु गुरु, गुरु लघु, लघु गुरु, गुरु लघु। विधि निषेध, विधि निषेध। विधि यानी तो तरीका है ना, तरीका और निषेध यानी जो तरीका गलत है, ठीक है ना। तो विधि ही निषेधम, विधि ही निषेधम। समह यानी समान, विषम यानी असमान। तो समह विषम, विषम समह, समह विषम, विषम समह। सुगम गमन, जो जहाँ पे चलना सरल हो, और दुर्लभ यानी दुर्गम यानी जहाँ पे जाना कठिन हो। तो सुगमः दुर्गमः, सुगमः दुर्गमः, दुर्गमः सुगमः, दुर्गमः सुगमः। संपत्ति विपत्ति, संपत्ति यानी जो हमारे अकॉर्डिंग हो, विपत्ति यानी जो हमारे से विपरीत हो। संपत्ति यानी जो हमारे अकॉर्डिंग चल रहा हो, हमारा जीवन हमारे अकॉर्डिंग चल रहा हो, संपत्ति। और जब कठिनाइयाँ आ जाती है, हमारी इच्छाओं की विपरीत जब कार्य होने लगता है, तो हमें कठिनाई लगने लगती है। तो संपत्ति ही विपत्ति, विपत्ति यानी कठिनाई। संपत्ति इजी, इजी वे में जो चीज मिल जाए ना। संपत्ति ही विपत्ति ही, संपत्ति ही, संपत्ति ही विपत्ति ही। ठीक है, आज यही समाप्त होते हैं। पूरे विलोम शब्द का पर्याय, जो पूरे विलोम शब्द है उनका दोहरान कार्य है, हम अग्रिम कक्षा में अभ्यास प्रश्न के साथ करेंगे। आज कक्षा को यही समाप्त करते हैं। पर्यायवाची को हम एक एक बार पढ़ चुके हैं, उनका दोहरान कार्य भी कर चुके हैं, किंतु जो विलोम शब्द है उनका दोहरान कार्य आज नहीं करेंगे। इनका दोहरान कार्य आप याद कीजिए, फिर अग्रिम कक्षा में इनका दोहरान कार्य करते हैं। आज की कक्षा यही समाप्त। धन्यवाद।